नमस्कार स्टूडेंट्स, आज से हम वेलकम यू ऑल इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। इन आवर लास्ट क्लास वी सॉल्व डिवीजन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर डिविजन्स। क्वेश्चन है सॉल्व एंड चेक योर आंसर। ये पहले आपको डिवाइड क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद में इसका आंसर क्या करना है, हमें चेक करना है। फर्स्ट डिविजन है 3525 डिवाइडेड बाय 25। सबसे पहले हम डिजिट मैं 3525 डिवाइडेड बाय 25 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 25 का टेबल। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 25 का टेबल मेंशन किया है। फर्स्ट यहाँ पे डिजिट है 3। 3 छोटा होगा 25 से, तो हम कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। 2 डिजिट में क्या बन जाएगा, ये 35। अब 35 है 25 के टेबल में नहीं है। 35 से जस्ट छोटा डिजिट कौन सा है, 25। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 35 के नीचे 25। कितना टाइम, 1 टाइम। -5 -5 = 0। 3 - 2 = 1। क्या आंसर है हमारा, 10। अभी यहाँ पे 10 है और टेबल कितने का है, डिविजर क्या है, 25। तो 10 छोटा होता है, 25 बड़ा होता है, इट मीन्स यहाँ पे हमें 1 डिजिट और लेना पड़ेगा। तो हम नीचे कौन सा नेक्स्ट डिजिट लेंगे, 2। तो ये क्या बन जाएगा, 102। अब 102 से छोटा कौन सा है, जस्ट 100। कितने टाइम में 25 के टेबल में 100, 1 2 3 4। हम ऊपर क्वाड्रेंट में मेंशन कर देंगे, 4 - 2 कितना माइनस करना, 0। आंसर आएगा हमारा 200। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिट कितना है, 2। यहाँ पे है 25, सेम 2 छोटा होता है, तो हम नीचे कौन सा डिजिट मेंशन करेंगे, 5। ये बन गया 25। टेबल भी इसका है 25 का, 25 बन जा 25। आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। अब यहाँ पे ये जो 0 बचा है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, R4 रिमाइंडर। यहाँ पे आपका आंसर आया 141, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्यू जिस डिजिट को हमने डिवाइड किया 3525, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट। ये हो गया डिविडेंट। और जिस डिजिट को डिवाइड किया या जिससे डिवाइड किया वो क्या हो गया, डिविजर। ये हो गया डिविजर। अब ये सब हम यहाँ मेंशन करते हैं। सबसे पहले डिविजर क्या है हमारा, 3525। पटेन कितना है, 141। रिमाइंडर कितना है हमारा, 0। डिविजर 25। अब अगर हमें आंसर चेक करना हो कि हमारा डिवाइड का ये जो आंसर आया है 141 और हमारा रिमाइंडर कितना है 0, ये राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाटेंट कितना है 141, क्वाटेंट मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर। ये होता है फॉर्मूला डिवाइड का आंसर चेक करने का। अब यहाँ पे हमारा क्वाटेंट कितना है, 141 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, 0। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 0। अब आप इनको सॉल्व करना कि 141 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा आंसर 3525 आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर क्या है, राइट आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में एक डिजिट है 896 डिवाइडेड बाय 32। कितने से डिवाइड करना है हमें, 32 से। अब यहाँ पे टेबल कितने का आ गया, 32। 32 का टेबल हमें नहीं आता, तो आप टेबल कैसे बनाओगे, 32 में 32 ऐड करके या फिर 32 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपकी टेबल बनेगी। हम टेबल बनाते हैं मल्टीप्लीकेशन के रूल से। 32 को कितने टाइम, 2 टाइम, 2 2
त्रिज्या हो गया 64। नेक्स्ट हम लेते हैं 3 टाइम 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 96, 32 4 जा 4, वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 128, 128। नेक्स्ट 5 टाइम 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 जा 0, 1 कैरी, 5 थ्री जा 15 और 1, 5 थ्री जा 15, 15 और 1 हो जाएगा 16, 160। अब हम एक बार 5 तक यहाँ पे टेबल हमने बना लिया, अब हम इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 89 सबसे पहले है, 8 डिजिट है, 8 छोटा होता है 32 से, इतनी समय 2 डिजिट लेना पड़ेगा तो वो बन जाएगा 89। 89 से जस्ट छोटा है 64, 64 कितने टाइम, 2 टाइम, माइनस 9 माइनस 4, 5 6 7 8 9, क्या आंसर आया 5, 8 माइनस 6 7 8 2 25 आंसर बना। अब 25 यहाँ है 32, इतनी 25 छोटा है तो हमें नेक्स्ट डिजिट मेंशन करना पड़ेगा नीचे। नेक्स्ट है 6, 256। अब यहाँ हमने टेबल कहाँ तक बनाई है 160 तक, इतने समय और टेबल बनाना पड़ेगा। 5 टाइम 32 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 टू जा 12, 1 कैरी, 6 थ्री जा 18, 18 और 1 19, 192। या हम ऐसे भी गेस करके भी लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने बनाया 160, कितने टाइम आया ये 5 टाइम, अब 7 6 टाइम भी क्या आया 192, तो हम इसको अब 7 टाइम लेके हम कितने से करेंगे 8 टाइम कि थोड़ा ज़्यादा हो। तो अभी हम यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, क्या आंसर आया 256। यहाँ पे भी कितना है 256, कितने टाइम 8 टाइम। अब माइनस कर दो 6 में से 6 0, 5 में से 5 0, 1 में से 2 में से 2 0, तो हमारा जब हमने 896 को डिवाइड किया 32 से तो हमारा क्वाड्रेंट कितना आया 28 और रिमाइंडर 0। सेम अगर हमें आंसर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 0। ओके स्टूडेंट, ये थे डिवाइड, फिर इनको आंसर चेक करना। आंसर चेक करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिमाइंडर, क्वाड्रेंट एंड डिविजर। आंसर चेक करने के लिए हम क्वाड्रेंट और डिविजर को तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम रिमाइंडर क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप भी इन डिवाइड की क्या करना प्रैक्टिस करना। थैंक यू।